किसकी इजाज़त से आई हूँ? ये जगह मेरे लिए बहुत मुकद्दस है। यहाँ मैं अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करना चाहता हूँ ना। प्लीज़ लीव राइट नाउ। दोबारा यहाँ नजर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ शनाया जी के लिए दुआ के लिए आई थी। शनाया को तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं। ना प्लीज लीव एंड डोंट कम हियर अगेन। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ आने के लिए भी मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको क्या कहूँ, किसी भी इंसान के लफ्ज़ आप पे असर नहीं करते। बस इतना कहूँगी कि आपको दुआ की ज़रूरत है। चले भैया। अस्का क्या हुआ, खैरियत है? भाभी वहां अजलान साहब आ गए। किधर? मैंने तो नहीं देखा। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जरा पूछती ना उनसे। क्या कर लेती है? सुनाती हूँ उन्हें। इस कदर बदतमीज इंसान है, बेइज्जती पर बेइज्जती किया जाता है, कोई लिहाज ही नहीं है उसे। अभी हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते कि सारी जिंदगी के लिए ना हम उनके मकरूज हैं। इसीलिए चुप कर जाती, वरना जितनी बेइज्जती उसने की है ना, दिल तो चाह रहा था कि उसके घर जाके ना उसकी माँ के आगे उसको ऐसी सुनाओ याद रखे सारी जिंदगी। नहीं भाभी, हम नहीं कर सकते। तू क्यों परेशान है भाभी? पता है क्या मेरा दिल किस बात पे खराब होता है? कि अल्लाह ताला ने मुझे उस आदमी का मकरूज किया है जो अपने आप को इंसान समझता ही नहीं, खुदा समझता है। खुदा भी बंदों पर रहम करता है। अजलान साहब के तो दिल में रहम नाम की कोई चीज ही नहीं। इतना गुरूर, इतना तकब्बुर। तौबा भी, अल्लाह माफ ही करे। हाँ तो और क्या, हमें वो इंसान थोड़ी समझते हैं, जमीन पे रेंगने वाले कीड़े समझते हैं। अच्छा तू छोड़ ना, तू बस अपनी मोहसिन शनाया बीबी को याद रख जिन्होंने तुझ पर एहसान किया। दफा मार अजलान साहब।